वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन द बिहाफ ऑफ एचएसबीटी पंचकुला माई सेल्फ लेक्चरर शीश बमनिया वर्किंग एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाड़ा सिटी माई लेक्चर सीरीज फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर टूडेज टॉपिक इज फ्रॉम द यूनिट नंबर टू ब्रिक्स टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स कि हम ब्रिक्स को बनाते कैसे हैं. यस्टरडे वी हैड स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ द क्ले विच इज टू बी यूज फॉर द ब्रिक अर्थ और ब्रिक मेकिंग. टूडे वी विल स्टडी अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स. बिफोर गोइंग इन टू डीप स्टडी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट सम पॉइंट्स that is requirements of good brick earth. It means you have selected some clay or earth for the manufacturing of brick. Minimum requirements must be fulfilled so that a good brick can be manufactured. Yani jo clay ya earth aap use kar rahe hain usme kuch na kuch minimum quantities honi chahiye, ingredients available hone chahiye ताकि हमारी जो ब्रिक है ईंट है उसकी क्वालिटी अच्छी हो. गुड ब्रिक फॉर दैट दैट क्ले शुड बी होमोजीनियस होमोजीनियस विद ऑल इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड. देन व्हाट एवर मे बी द प्रोपोर्शंस ऑफ The ingredients is required. Say it is clay, it is silica, it is sand, it is iron oxide, manganese oxide. That should be in proper proportions. Jitni unki requirement quantity hai, they should be within that limits. Next is, the clay should have sufficient plasticity. Means, plasticity must be there. If plasticity is there, then only shape and size that brick will be in the form of. Means, जो आपकी clay है, जिससे हमने paste बना करके, यानी गारा बना करके तैयार किया है, वो plastic in nature होना चाहिए, ताकि जिस mold में हम उस paste को fill कर रहे हैं, वो उस mold के corners में ठीक तरीके से पहुंच जाए और उसको ऊपर से शार्प एज से हम कट कर सकें, ताकि हमारी ब्रिक जो है उसके एज उसके कॉर्नर्स उसके लाइंस प्रॉपर शेप एंड साइज में आए. नेक्स्ट इज द क्ले शुड बी फ्री फ्रॉम द नोड्यूल्स ऑफ कंकड़ और लंप्स. लंप्स नहीं होने चाहिए, कंकड़ नहीं होना चाहिए जो हम क्ले यूज करते हैं ब्रिक बनाने के लिए. नेक्स्ट इज ग्रिट्स, ये भी नहीं होने चाहिए. ग्रिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. पेबल्स, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं हार्ड पत्थर के टुकड़े, बिल्कुल बारीक बारीक से टुकड़े होते हैं जो जिनको हम पेबल्स बोलते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए उस ब्रिक में या सॉरी ब्रिक अर्थ में. इट शुड नॉट कंटेन द ऑर्गेनिक और द वेजिटेबल मैटर. ऑर्गेनिक मैटर और वेजिटेबल मैटर उसमें नहीं नहीं होने चाहिए, क्योंकि बर्निंग के टाइम वो वेजिटेबल मैटर्स और ऑर्गेनिक मैटर आपकी जो ब्रिक है उसको पोरस स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो परमिएबल बन जाती है, या मॉइस्चर कंटेंट उसमें से या वाटर जो है वो सीपेज करने लग जाता है ज्यादा, और उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है. तो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स जो एक क्ले को कंप्लीट करनी पड़ेंगी इफ वी वांट अ गुड ब्रिक फ्रॉम दैट अर्थ. इट मींस कि आपको मिनिमम पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे
फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, कि किस टाइप की हमें क्ले यूज करनी है और उस क्ले में क्या क्या नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए। नाउ वी विल स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 5 पॉइंट्स, इसके 5 पॉइंट हैं, आई हैव रिटन ओनली 3, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टुडे वी विल कवर ओनली द 2 स्टेप्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द क्ले, मीन्स हम साइट सेलेक्ट करेंगे, उस साइट का जियोलॉजिकल डाटा हमारे पास होगा, उसके कंटेंट्स हम चेक करेंगे कि इसमें क्ले कितना है, सैंड कितना है, सिलिका कितना है, उसके बाद आयरन ऑक्साइड और मैंगनीज कितना है, ये सारे कंटेंट हम उस साइट से जो है टेस्ट करते हैं, फिर हम उस साइट को सिलेक्ट करते हैं। साइट सिलेक्ट करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि ये साइट रीचेबल हो, असेसिबल हो, आसानी से वहां जाया जा सके, इस साइट के आसपास लेबर के रहने के लिए इंतजाम हो जाए, शेल्टर्स फॉर द लेबर। सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल हो, ये सारी आपको साइट सिलेक्शन जो है, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द क्ले, साइट आपने सिलेक्ट करनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। थर्डली आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितनी ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, जितना बड़ा प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, क्या उस साइट से उतनी देर तक हमें वो क्ले मिलती रहेगी। आप सेटअप बहुत बड़ा लगा लें, वहां पर क्ले का भंडार यानी क्ले वहां पर अवेलेबल बिल्कुल कम मात्रा में हो या कम क्वांटिटी में हो, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने। अब जब आपने साइट सेलेक्ट कर ली, आपने जियोलॉजिकल डाटा उठा लिया और जियोलॉजिकल डाटा ने शो कर दिया कि हाँ, नाउ यू कैन गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक थ्रू दिस साइट क्ले, यानी इस साइट से आप क्ले यूज करके ब्रिक्स बना सकते हो। उसके लिए आपको अब ध्यान करना पड़ेगा दूसरा पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। यहां से मिट्टी तो खुदाई कर ली, अब उसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले साइट को प्रिपेयर कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट अनसोइलिंग। अनसोइलिंग मींस कि ये साइट सिलेक्ट की है, इसका जो अपर सरफेस है, उस अपर सरफेस में लूज सॉइल होती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, घास फूस होता है, इसी में छोटे छोटे पेबल्स कंकड़ भी होते हैं, यानी इसको पूरे तरीके से आप हल्का हल्का कट करके पूरी साइट को ठीक कर लें। दूसरा पॉइंट डिगिंग। अब ऊपर का पार्ट उतार करके हल्का हल्का आप इसको डिग कर लें, यानी मैं इसको अगर क्रॉस सेक्शन वाइज दिखाऊं तो ये आपका टॉप सरफेस है, इनिशियली टॉप सरफेस इन इनिशियल, इस पे ये छोटे छोटे घास फूस पेबल्स और ये सब है। इसको नीचे जाएंगे, हल्का सा कटाव कर दो, इसको आपने अनसोइलिंग करके बाहर निकाल दिया, इसको आपने जो है डिग करके एक्सक्यूट करके क्लीन कर दो ऊपर वाला सरफेस। देन अब एक नया सरफेस आपके पास अवेलेबल है, इस नए सरफेस को वेदरिंग कर दो। नए सरफेस को वेदरिंग करने का मतलब है कि इस नए सरफेस में हल्का सा मॉइस्चर कंटेंट, पानी का बहाव छोड़ दो, जहां पर उसमें ऊंचा नीचा है, मान लो ये ऊंचा है, यहां नीचा है, ये ऊंचा है, इस सब को इसको काट करके बाहर कर दो, इसको फिल कर दो, इसको फिल कर दें, दिस इज टू बी नोन एज वेदरिंग। और इसमें जब इसको फिल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसमें आपने सैंड का छिड़काव करना है, सैंड से इसको प्लेन करना है। देन अब आ गया हम, हमारे पास पॉइंट जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के लिए,
ब्लेंडिंग, जब हमने फर्स्ट पार्ट स्टडी किया कि सिलेक्शन ऑफ क्ले, यहां से क्ले तो मिली लेकिन उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे थे, जितना हमें सिलिका चाहिए हो सकता है कम है या ज्यादा है, जितना हमें लाइम चाहिए हो सकता है ज्यादा है या कम है, जितना हमें सैंड चाहिए हो सकता है ज्यादा है या कम है। अब हम इस सिलेक्शन सॉरी साइड से, ये सरफेस टॉप सरफेस है जो हम कर चुके हैं डिगिंग तक, अब इसका एक हिस्सा काटना शुरू किया, इस हिस्से को काटना शुरू किया और इस हिस्से को काट करके हमने पाउडर बनाना शुरू किया, मिट्टी का ढेलों को तोड़ना शुरू किया। आपने क्या करना है, इसको हमने जियोलॉजिकल डाटा स्टडी कर लिया, इसमें अगर सिलिका की कमी है तो सिलिका मिला दो, लाइम की कमी है तो लाइम मिला दो, सैंड की कमी है तो सैंड इसमें मिला दो। जो आप ये एग्जैक्ट पता चलता है हमें जब स्टडी करते हैं ये सारी चीजें, जब आप इसको ड्राई फॉर्म में मिक्स करेंगे, दिस इज टू बी नोन एज ब्लेंडिंग, समथिंग इज टू बी ब्लेंडेड, जैसे ब्लेंडर यूज करते हैं, मिलाते हैं किसी चीज का घोल मिलता है। नाउ जब हमने ये ब्लेंडिंग से ड्राई मिक्स तैयार कर लिया, अब इस ड्राई मिक्स में सर्टेन क्वांटिटी वाटर पानी मिलाया जाता है, और हम जनरली क्या करते हैं, जनरली वी डू द डिगिंग और एग्जीक्यूटिंग ऑफ द सोयल, ये साइट है, इस साइट से हम मिट्टी इस इतने हिस्से में काट करके इस मिट्टी को फैला देते हैं और फिर इसमें पानी छोड़ देते हैं फॉर द 24 आवर्स, और नेक्स्ट डे आते हैं इसको, इसके अंदर मिट्टी के अंदर हम यूज करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं या कसी है आपके पास या कुदाल है आपके पास, और जनरली क्या करता है आदमी इसमें नेक्स्ट डे आकर के नीडिंग करता है, नीडिंग मींस इसके अंदर चारों तरफ चक्कर काटता है और इसको पलटता है 2-3 बार 4 बार, यहां से इसकी पोजीशन बदलेगा, यहां ले आएगा, फिर वापस पोजीशन बदलेगा, वापस ले जाएगा, तो दिस इज टू बी नोन एज टेम्परिंग। और जब इसको मैनुअली किया जाए, जब इसको हम मैनुअली करते हैं, इट मींस हमारी जो क्ले पेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो कम है, ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट कम है। अगर आपको किलन के लिए काम करना है, भट्ठे बनाने के लिए, यानी भट्ठे पे काम कर रहे हैं, भट्ठे के लिए ईंटें आपने बनानी है, तो उस केस में नीडिंग से काम नहीं चलेगा, मैनुअल काम नहीं चलेगा, उसके लिए मैकेनिकल ऑपरेशंस आ गए, और मैकेनिकल ऑपरेशंस में आपने पग मिल, PUG पग मिल ये यूज करते हैं। पग मिल क्या होता है, एक वर्टिकल कंटेनर होता है ऐसा, इस वर्टिकल कंटेनर के अंदर एक सीधी रोड लगी होती है, इस रोड के ऊपर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, ये इलेक्ट्रिक मोटर इस वर्टिकल शाफ्ट को रोटेट करती है और इस वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर इस तरीके से जो है हम क्रॉस नीव्स लगाते हैं, एक इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ये रोटेट हो रही है, ये घूम रहा है, ये ड्रम है, हमने इसके अंदर क्ले डाली, ब्लेंडेड मिक्स डाला और वाटर की एंट्री करवा दी, इसके अंदर पेस्ट बनना तैयार हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली करने के लिए आपके सामने ये एक प्रोजेक्ट है, ये आपके पास सॉरी ड्रम है, ये ड्रम है आपके पास, इस ड्रम के अंदर ये वर्टिकल शाफ्ट है जिसके ऊपर ये हॉरिजॉन्टल नाइव्स हैं और ये नुकीले हैं, हम इस ड्रम में इसके बीचों बीच लेकर के जाएंगे, फिक्स करते हैं इसको ऊपर से भी और नीचे भी, इसको इलेक्ट्रिक मोटर से ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे इसके अंदर रोटेट होती रहती है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट करते रहो इसको, एंटी क्लॉकवाइज जैसे मशीन में कपड़े धुलते हैं, बस उसमें ये है कि उसमें ये नाइव्स नहीं होते,
तो ये क्या करेगा, इसके अंदर आपने पेस्ट मिट्टी डाली, उसके अंदर पानी मिलाया, पानी भी डाल रहे हो आप, मिट्टी भी डाल रहे हो, और ये उसको घुमा रहा है, पेस्ट तैयार हो रहा है, और इसके नीचे एक होल होता है, ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से पेस्ट बाहर आ जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द यूज ऑफ पग मिल, और पग मिल जो है वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो है हम इसको लगाते हैं, ताकि हमारी जो ईंटें हैं वो लाख दो लाख तक यूज होती रहें। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू।